गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि लाजवाब क्लास होगा। आज मैंने 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर इसमें बताया है, और पाँचों स्ट्रक्चर पर गाना कौन सा बनाया जा सकता है, उस गाना को कैसे गाया जा सकता है, मैंने इसमें बताया है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रत्येक स्ट्रक्चर एक गाना पर आधारित है। जैसे यदि आपको कहना होगा कि कमाओ नहीं तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तो इन स्ट्रक्चर पर कौन सा गाना आधारित है उसे भी मैंने बनाया है और ट्रांसलेट करना बताया है। चलिए बिना समय गवाएं हम लोग आज का लाज ऑफ क्लास शुरू करते हैं। आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने ग्रुप के लोगों के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस लाज ऑफ चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया सुपर करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर है, और आप देखे होंगे कि लोगों को अधिकतर है ना कहने की आदत होती है, और चाहते हैं कि है ना का कोई दूसरा सपोर्ट भी करे। जैसे बहुत लोगों आप सुने होंगे, लोग बोलते हैं कि वह मेरे घर आया था, है ना, मैं एक और रोटी खाना चाहता था, है ना, वह 10 साल पहले शादी कर ली थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग है ना बोलते हैं, है ना, बल बल। तो है ना का इंग्लिश क्या होगा देख लेते हैं। इसका इंग्लिश होता है isn't it, isn't it, isn't it का मतलब हो गया है ना। It's over, isn't it? Isn't it यानी है ना, isn't it का मतलब क्या हुआ है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि सबसे पहले आप सेंटेंस लिखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है, बाद में isn't it लिखेंगे, isn't it कंप्लीट सेंटेंस के बाद isn't it आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम एक और चाय लोगे, है ना, यू विल टेक वन मोर टी, isn't it, यू विल टेक वन मोर टी, isn't it, तुम एक और चाय लोगे, है ना, यू विल टेक वन मोर टी, isn't it, वो वहां पर सो रहा था, है ना, ही वॉज सिटिंग देयर, isn't it, वो वहां पर सो रहा था, है ना, he was sleeping there, isn't it, he was sleeping there, isn't it, ये बहुत टेस्टी है ना, ये बहुत टेस्टी है ना, it is very tasty, isn't it, it is very tasty, isn't it, तुम कल दिल्ली जा रहे हो, है ना, तुम कल दिल्ली जा रहे हो, है ना, you are going to Delhi tomorrow, isn't it, you are going to Delhi tomorrow, isn't it, तुम कल दिल्ली जा रहे हो, है ना, You are going to Delhi, isn't it? वो एक और बर्गर खाना चाहते थे, है ना? वो एक और बर्गर खाना चाहते थे, है ना? She wanted to eat one more burger, isn't it? She wanted to eat one more burger, isn't it? मैं हैंडसम लग रहा हूँ या मैं हैंडसम दिख रहा हूँ, है ना? मैं हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? I'm looking handsome, isn't it? I'm looking handsome, isn't it? तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 2। इसका मुख्य वर्ड है का क्या होगा, का क्या होगा। जैसे आप देखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोहन का क्या होगा, या मेरे पैसों का क्या होगा, राम का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तो का क्या होगा, ठीक है। और इसका अंग्रेजी होगा What will become of, what will become of, बहुत सारे वाक्यों में आप देखे होंगे what will become of। तो चलिए इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है what will become of का।
इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले इसका वर्ड हो गया व्हाट विल बिकम ऑफ, का क्या होगा, और स्ट्रक्चर हो गया सबसे पहले व्हाट विल बिकम ऑफ लिखेंगे, व्हाट विल बिकम ऑफ, इसके बाद आप नाउन या ऑब्जेक्ट देंगे और लास्ट में अदर वर्ड डालेंगे, व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट विल बिकम ऑफ, यहाँ विल क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, और बिकम बीकेम भी हो सकता है, देखेंगे टेंस के अनुसार यह चेंज होगा, ठीक है। विल और बिकम अकॉर्डिंग टू टेंस यू कैन चेंज इट, तो सबसे पहले व्हाट विल बिकम लगाना है, फिर नाउन या ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड आपको लगाना है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ अस, अस क्यों लगाया गया, हमारा, ठीक है। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच, व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच, ये तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच। अगर तुम एक हफ्ते के लिए घर जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा, अगर तुम एक हफ्ते के लिए घर जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब, व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब इफ यू गो होम फॉर वन वीक, व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब इफ यू गो होम फॉर वन वीक, व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब इफ यू गो होम फॉर वन वीक। नेक्स्ट है मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। उसका क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ हिम या हर, जो बोलिए, जो फीमेल होगी तो हर बोलेंगे और मेल होंगे तो हिम बोलेंगे, व्हाट विल बिकम ऑफ हिम या व्हाट विल बिकम ऑफ हर, उसका क्या होगा। मेरे पैसों का क्या हुआ, अब देखिए पास्ट में हो गया तो बिकेम, व्हाट बिकेम ऑफ माई मनी, मेरे पैसों का क्या हुआ, व्हाट बिकेम ऑफ माई मनी, मेरे पैसों का क्या हुआ, तो यह पास्ट के अनुसार चेंज हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। जैसे आप बहुत सारे वाक्य देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है, जैसे मुझे पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, मुझे पता है कि छपरा जाना कितना मुश्किल है, मुझे पता है कि अंग्रेजी बोलना कितना मुश्किल है। तो बहुत सारे वाक्य ऐसे आप बोलते हुए सुने होंगे या बोलते हैं या अक्सर लिखा करते हैं आप, तो इसका अंग्रेजी होगा आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो यहां आप देख लेंगे नो जो है यह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो जाएगा, यह सब्जेक्ट आई है और नो है, टेंस के अनुसार सब बदलते रहता है, ठीक है। इट इज भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, इसका मतलब हो गया मुझे पता है कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, मुझे पता है कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, मुझे पता है कितना मुश्किल है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज लिखेंगे, फिर टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आपको देना है, ठीक है। यहाँ सब देखेंगे वाक्य कैसा है उसके अनुसार क्या, आई नो को चेंज करेंगे, इट इज को भी चेंज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको खुद समझ में आएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज प्लस टू प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है, या मैं जानता हूँ पैसा कमाना कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न मनी, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न मनी, मुझे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न मनी। नेक्स्ट है मुझे पता है उसे मनाना कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस हिम या हर, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस हर या हिम, फीमेल होगा तो हर बोलेंगे और मेल होगा तो क्या बोलेंगे, हिम बोलेंगे, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस हर, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस हर। नेक्स्ट है उसे पता है बिना खाना खाए सोना कितना मुश्किल है, उसे पता है बिना खाना खाए सोना कितना मुश्किल है, शी नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड, ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड, ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड, उसे पता है बिना खाना खाए सोना कितना मुश्किल है, ठीक है।
नेक्स्ट है, हमें पता है लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना या रुकना कितना मुश्किल था। मुझे पता है लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना कितना मुश्किल था। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, पास्ट था तो वॉज लगा देंगे, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू स्टे होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू स्टे होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। मुझे पता है लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना कितना मुश्किल था। आई नो, वी नो, चाहे आई नो बोलेंगे, अगर हमें पता है तो, मुझे पता है तो आई नो बोलेंगे, हमें पता है तो वी नो होगा। वी नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू स्टे होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगला है, वो जानता था वहाँ रहना कितना मुश्किल था। ही न्यू हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू अलाइव देयर। ही नोज, ही न्यू, जानता था, पास्ट हो गया। ही न्यू हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू अलाइव देयर। ही नो न्यू हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू अलाइव देयर। ठीक है, अगला है, वो जानती है खाना बनाना कितना आसान है। वो जानती है खाना बनाना कितना आसान है। सी नोज, जानती है, प्रेजेंट टेंस की बात है। सी नोज हाउ ईजी इट इज टू कुक फूड। सी नोज हाउ ईजी इट इज टू कुक फूड। सी नोज हाउ ईजी इट इज टू कुक फूड। तो ऐसे आप बनाते जाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और देखते हैं कौन व्यक्ति सबसे पहले कॉमेंट में लिखते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4, इसका मुख्य वर्ड है थोड़ा सा और, या थोड़ा और, या कुछ और। जैसे मैं थोड़ा और खाना चाहता हूँ, वह थोड़ा और बात करना चाहती है, वो थोड़ा और पढ़ना चाहता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए आपको यूज करना होगा सो मोर। यूज करना हो क्या, सो मोर, जिसका अर्थ होता है, सो मोर का अर्थ हो गया थोड़ा और, या थोड़ा सा और, थोड़ा और, कुछ और। सो मोर, सोम मोर, थोड़ा और। सो मोर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और। चलिए स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे और वाक्य में कैसे यूज करेंगे इसको पहले देखते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा और को। मैं थोड़ा सा और खाना खाऊंगा, मैं थोड़ा सा और खाना खाऊंगा। आई विल ईट सो मोर फूड, मैं थोड़ा सा और खाना खाऊंगा। आई विल ईट सो मोर फूड, आई विल ईट सो मोर फूड, मैं थोड़ा सा और खाना खाऊंगा। आई विल ईट सो मोर फूड। नेक्स्ट है, चलो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, लेट्स वेट सो मोर। चलो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, लेट्स वेट सो मोर, लेट्स वेट सो मोर। वो थोड़ी सी और बात करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टॉक सो मोर। वो थोड़ी सी और बात करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टॉक सो मोर। वो थोड़ी सी और बात करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टॉक सो मोर। नेक्स्ट है, क्या तुम थोड़ा सा और रुकना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्टे सो मोर। क्या तुम थोड़ा सा और रुकना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्टे सो मोर, डू यू वॉन्ट टू स्टे सो मोर। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और आराम करना चाहिए, आई थिंक वी शुड टेक सो मोर रेस्ट। आई थिंक वी शुड टेक सो मोर रेस्ट, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और आराम करना चाहिए। आई थिंक वी शुड टेक सो मोर रेस्ट, आई थिंक वी शुड टेक सो मोर रेस्ट। क्या तुम थोड़ी सी और जगह दे सकते हो, क्या तुम थोड़ी सी और जगह दे सकते हो। कैन यू गिव सो मोर स्पेस, कैन यू गिव सो मोर स्पेस। क्या तुम थोड़ी सी और जगह दे सकते हो, कैन यू गिव सो मोर स्पेस। ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर 5 देखते हैं, ये तो और लाजवाब है, ठीक है। इसका वर्ड हो गया की इजाजत है या की अनुमति है, की इजाजत है या की अनुमति है। इसका वर्ड होता है वेलकम टू या अलाउ टू, वेलकम टू या अलाउ टू, जिसका मतलब हुआ की इजाजत है या की अनुमति है। तो देखिए वेलकम टू के बाद क्या किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है। ये अलाउ टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करते हैं, यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अलाउ टू लगाइए या वेलकम टू लगाइए, ठीक है। वेलकम टू ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट आपको यूज करना है प्लस हेल्पिंग वर्ब, वेलकम टू या अलाउ टू, जो वर्ब का प्रयोग आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है या छूट है, तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है। यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हियर, या यू आर अलाउड टू ईट एनीथिंग हियर। यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हियर, तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है। यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हियर। नेक्स्ट है, हमें वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है,
वी वेयर नॉट वेलकम टू सिट देयर, हमें वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है. वी आर नॉट वेलकम टू सिट देयर, वी वेयर नॉट वेलकम टू सिट देयर, हमें वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है. अगला है, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? एम आई वेलकम टू कम इन, एम आई वेलकम टू कम इन, या एम आई अलाउड टू कम इन, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? एम आई वेलकम टू कम इन, एम आई अलाउड टू कम इन. अगला है, उसे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है या छूट है? उसे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है. ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फोन, ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फोन, ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फोन. उस रूम में हमें घूमने की इजाज़त नहीं थी, उस रूम में हमें घुसने की इजाज़त नहीं थी. वी आर नॉट वेलकम टू इंटर दैट रूम, उस रूम में हमें घुसने की इजाज़त नहीं थी. वी आर नॉट वेलकम टू इंटर दैट रूम, वी आर नॉट वेलकम टू इंटर दैट रूम. तो चलिए ऐसे ही आप बहुत सारे वाक्य बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए. आज का क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में बताइए कि सीता को मनाना कितना मुश्किल होता है. हमें पता है, अर्थात हमें पता है सीता को मनाना कितना मुश्किल होता है, तो आप इसका आंसर कितना जल्दी कमेंट में लिखते हैं हम देखेंगे. चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.